Assalamualaikum, dear students, welcome to our YouTube channel Dars Physics College. तो आज जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी द टॉपिक इज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन. सो लाइक वीडियो को एंड तक देखिएगा. आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो सबसे पहले मैं आपको वो साइंटिस्ट दिखा देता हूँ जिसने मास एनर्जी इक्वेशन जो है उसको एक्सप्लेन किया और उसके बारे में जो है बताया. तो हम देखते हैं. ही वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन हु गेव द एनर्जी मास इक्वेशन. जिसने एनर्जी मास इक्वेशन जो है वो उसको एक्सप्लेन किया और कॉन्सेप्ट जो है एनर्जी मास इक्वेशन का असल में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया था. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये जो कॉन्सेप्ट था एनर्जी मास इक्वेशन का ये क्या. अगर एनर्जी मास इक्वेशन को देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक एनर्जी को हम मास में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मास जो है वो एनर्जी में ट्रांसफ़र की जा सकती है. ठीक है, यानी एनर्जी एंड द मास दोनों ही एक दूसरे में हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं, हम इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है जी, तो हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इस पूरे टॉपिक को स्टडी करते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आज का जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो आप बोर्ड के पेपर में अगर देखते हो तो ये लाजमी आता है कि व्हाट इज़ द आइंस्टाइन्स इक्वेशन या आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी. स्टार्ट करते हैं. मास एनर्जी इक्वेशन में कहता है आइंस्टाइन प्रिडिक्ट दैट इंटर कन्वर्जन ऑफ द मैटर एंड एनर्जी. सो आइंस्टाइन के मुताबिक आइंस्टाइन ने जो प्रिडिक्शन दी थी वो ये था कि भाई आपके पास मैटर और एनर्जी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, कि मादा और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. एनर्जी मादा में चेंज हो सकती है और मादा किस में चेंज हो सकता है, एनर्जी में चेंज हो सकता है. अब अकॉर्डिंग टू हिम अ लॉस इन द मास ऑफ अ बॉडी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. कि अगर किसी मास में कमी वाकया हो रही है, अगर किसी बॉडी में किसी बॉडी के मास में कमी हो रही है तो प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ द एनर्जी, तो वो हमें एक काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं. जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया गया है इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, यानी ये मैथमेटिकल फॉर्म थी उस एनर्जी मास एनर्जी इक्वेशन की, कि जिसमें आपके पास टोटल एनर्जी उस बॉडी के मास में शिफ्ट हो रही है. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दिस हैपन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्शंस द रिलेशन बिटवीन द मास एम एंड एनर्जी ई इज गिवन बाय आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन. सो अब देखते हैं, हियर ई इज द एनर्जी, एम इज द मास एंड सी द स्पीड ऑफ द लाइट. एंड द स्पीड ऑफ द लाइट की वैल्यू कितनी है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये हमारे पास एक एनर्जी मास इक्वेशन थी कि जिसमें आप लोग देख रहे हो कि एनर्जी इज इंटर कन्वर्टेबल टू मास और इन अदर वर्ड्स मैटर, एंड मैटर इज आल्सो इंटर कन्वर्टेबल टू एनर्जी. अच्छा, अगली स्लाइड पर जाने से पहले मैं आपको एक बात जो है वो ये इसका जो वो प्रूफ दे दूं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो लफ्ज़ आता है बुराक, यानी जिस सवारी पे वो बैठ के गए थे उसके लफ्ज़ उसको अरबी में कहते हैं बुराक. तो बुराक का लफ्जी मतलब है बिजली की रफ्तार, तेज, काफ़ी स्पीड ऑफ द लाइट. सो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव किए थे, तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने की वजह से उनका जो मैटर था वो एनर्जी में ट्रांसफर हो गया था. सो वी कैन से डैट, हम वहाँ से भी ये प्रूफ ले सकते हैं कि एनर्जी एंड द मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर. ठीक है, आगे देखते हैं. कहता है दिस इक्वेशन शोज दैट ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ द एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द मैटर. इट अपीयर्स दैट मैटर इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये जो मैटर है ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, यानी दूसरी फॉर्म में, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि भाई एनर्जी भी एक तरह का मैटर और मैटर भी एक तरह का एनर्जी है. क्यों? क्योंकि बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर, के दोनों तो एक दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं. और यही वो कह रहा है कि इस इक्वेशन से ये साबित होता है कि हमें काफी अमाउंट में एनर्जी मिल रही है. अच्छा, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज बेस्ड ऑन अबव इक्वेशन, यानी जो हम पहले इक्वेशन पढ़ के आए हैं इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, के एनर्जी जो प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी, जो वो प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी का एनर्जी हासिल कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, तो वो सारे का सारा बेस करता है आइंस्टाइन इक्वेशन पे. ठीक है, द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ऑन द सन एंड स्टार्स फॉर द मिलियन ऑफ द ईयर्स, के सूरज और सितारों पे भी ये प्रोसेस जो है वो हज़ारों सालों से हो रहा है, मिलियन ऑफ द ईयर्स काफ़ी अरसे से हो रहा है.
लाखों सालों से हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सूरज से जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी एक तरह का आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन को ही फॉलो कर रहा है। तो हम इसको देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से, इंसान के सन में न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है। तो अगर देखा जाए कि तो एनर्जी मैस इक्वेशन होता है, एनर्जी मैस कन्वर्जन होती है, ठीक है, कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो रही है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप ये देखो कि ये सन का जो है वो एक पिक्चर है, इंटरकोर दिखाया गया है कि जहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, और यहाँ से ये क्लियर है कि भाई जो है वो एनर्जी मैस में शिफ्ट हो रहा है और मैस एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी रीचेज द अर्थ, दिस इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, कि भाई जो जमीन पर सूरज की मद से रोशनी हमें मिल रही है उसकी बहुत छोटी मिकदार हमें जमीन तक पहुंचती है, और इस छोटी मिकदार का पहुंचना ही हमारे पास जमीन पे जिंदगी की बका की अलामत है, ठीक है। तो दूसरे फाज में हम कह सकते हैं कि अगर आप ये देखो कि सनलाइट जो है वो जमीन पे आ रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है, कुछ एब्जॉर्ब है और कुछ एटमॉस्फेयर में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई सूरज से आने वाली रोशनी का कुछ हिस्सा जमीन तक पहुंचता है, और जमीन तक पहुंचने के लिए ये जो लाइट, ये जो रोशनी हम तक पहुंच रही है, जो ये एनर्जी पहुंच रही है, तो दिस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि भाई जो सूरज से जमीन तक हमें रोशनी पहुंच रही है, दिस फॉलो द आइंस्टाइन इक्वेशन, कि भाई आपके पास एनर्जी मैस आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर, कि सन में रिएक्शंस होते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम एक टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सूरज में फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, तो ग्रेट टेंथ में जाके आप इसको डिटेल में डिस्कस करोगे, तो फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस के दौरान हमारे पास जो है वो मैटर एनर्जी में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर द चैनल एंड वीडियो, सो काइंडली सब्सक्राइब अवर द यूट्यूब चैनल डार्स फिजिक्स कॉलेज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।